नमस्कार दोस्तों, मैं अभय लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं क्या क्या बताएंगे, BSNL का सिम आपको कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे, और प्लान भी बताएंगे क्या सस्ता है, और ये भी बताएंगे कि BSNL जो कंपनी थी वह कब कब घोटाले की वजह से घाटे में गई, और कब कब उसने रेवेन्यू जनरेट किया था। आज 4-5 वर्ष से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही BSNL का अब हाल क्या होने वाला है, चलिए दोस्तों देखते हैं। फिलहाल BSNL हड़कंप मचाया हुआ है, ग्राहकों की लाइन लग गई है BSNL की सिम पोर्ट कराने में। जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया वाले यूजर्स BSNL में जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए, आप भी सोच रहे होंगे कि BSNL की सिम हमें कब मिलेगी, हमारे यहाँ नेटवर्क कब आएगा BSNL का, तो दोस्तों ये सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं इसी वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियो, वी आई एवं एयरटेल ने जो अपने दामों में 25-26% की बढ़ोतरी की है, उसकी वजह से काफ़ी जो यूजर्स हैं वो नाराज हो गए हैं और अपनी सिम को पोर्ट कराने लगे हैं BSNL में। दोस्तों BSNL का जो जन्म कह सकते हैं हम, तो 2000 में BSNL सरकारी स्वामित्व में आया था। उसके बाद दोस्तों इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया, और दोस्तों जो कि सरकार की निगरानी में यहाँ पर होता है, इसके लिए फंड भी जनरेट करता है सरकार और रेवेन्यू भी प्राप्त करती है सरकार, अर्थात ये बिल्कुल सरकारी कंपनी है। दोस्तों जिस प्रकार एयर इंडिया जो लॉस में गई थी, उसी प्रकार दोस्तों ये भी समुद्र में है, ये समझो कि डूब ही चुकी है BSNL। लेकिन दोस्तों जो फिलहाल जो उछाल आपको देखने को मिल रहा है BSNL यूजर्स में, एक दिन में लाखों यूजर्स दोस्तों BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। यदि आपको भी अपनी सिम BSNL में पोर्ट करानी है, या दोस्तों BSNL की न्यू सिम आपके लिए चाहिए, तो आपको क्या करना होगा ये भी हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यदि दोस्तों आपको BSNL की नई सिम चाहिए, तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए होम डिलीवरी व्यवस्था कोई भी नहीं है दोस्तों, जैसे कि आल कंपनियां देती हैं। यहां पर आपके लिए अपने मोबाइल में मैप खोलिएगा और सर्च कीजिएगा नियर बाय BSNL एजेंसी, तो आपको जो आपके नज़दीक BSNL की एजेंसी होगी वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो आप वहां पर जाकर भी अपना आधार कार्ड ले जाकर पोर्ट करा सकते हैं, या दोस्तों न्यू सिम खरीद सकते हैं। बात करते हैं प्लान कौन सा है, तो दोस्तों 239 का प्लान बेस्ट रहेगा, और फर्स्ट में आपको दो प्लान का चॉइस दिया जाता है, एक 108 का, एक 249 का। दोस्तों 239 में यहाँ पर आपके लिए 3GB डाटा पर डे दिया जाएगा, जो कि जियो से दुगना है, और दोस्तों यहाँ पर वैलिडिटी 28 दिन नहीं होती है, BSNL में इसकी वैलिडिटी आपको 45 डे की मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी BSNL कंपनी को कब कब घाटा लगा। दोस्तों 2009 में BSNL ने आखिरी रेवेन्यू कमाया था, जिसका दोस्तों 1,72,000 करोड़, आप बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, जो यहाँ पर दोस्तों इतना रेवेन्यू इसने कमाया था 2009 में। इसके बाद में दोस्तों लगातार उस कंपनी के लिए घाटा लगता गया, हर वर्ष दोस्तों घाटा लगता गया। इस बार दोस्तों क्या हो रहा है, पिछले साल 2023 में यहाँ पर 1,64,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया इस कंपनी में दोस्तों। तो दोस्तों जहाँ पर आपका एयरटेल जियो 5G लॉन्च कर रहा है, या 5G आपके लिए व्यवस्थाएं पहुंचा रहा है, वहां पर यहां पर 4G भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी हालत में दोस्तों 2023 में 1,64,000 करोड़ का निवेश यहां पर किया गया था। और दोस्तों हम बात करते हैं इस BSNL में, तो दोस्तों BSNL यदि सरकार चाहे तो जिस प्रकार जियो मार्केट में आया था, हड़कंप मचाया था, उसी प्रकार दोस्तों BSNL भी हड़कंप मचा सकता है, क्योंकि दोस्तों इस सरकार का जो बजट है वह दोस्तों इसमें भी निवेश करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल में 15,000 करोड़ का निवेश किया गया है, जो कि ताजा खबर है यहाँ पर, जिसमें दोस्तों आपके शहर, आपके गाँव तक दोस्तों 4G नेटवर्क पहुँचाने के लिए टावर लगाए जाएंगे BSNL के। दोस्तों हम आपके लिए बता रहे हैं कि आपके लिए कैसे आपको BSNL की सिम लेना है, ये हम आप पहले बता चुके हैं दोस्तों, प्लान भी बता चुके हैं दोस्तों। अब आपके लिए अपनी स्पीड चेक कीजिएगा, एक साइट हम आपके लिए लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर आप BSNL की जो है स्पीड आपके क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आपकी यहां पर 2GB चल रही है, 3G या 4G चल रही है। दोस्तों इस कंपनी का
BSNL कंपनी एक सरकारी कंपनी है दोस्तों, इसमें आपके लिए काफी जो पोर्टे जो आप कर सकते हैं ऐसे रिचार्ज, सस्ते रिचार्ज हैं वहां पर दोस्तों, आपको 3 गुना तक कम के रिचार्ज यहां पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी दी हमने इस वीडियो में कि BSNL की सिम आपको कैसे प्राप्त होगी, कहां से प्राप्त होगी दोस्तों, और दोस्तों ये आपकी 24 घंटा के भीतर चालू भी सिम हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपके एरिया में BSNL का अच्छा नेटवर्क है तो आप जाइए और नियर बाय जो भी आपकी एजेंसी हो वहाँ से आप सिम को पोर्ट या न्यू सिम परचेस कर सकते हैं। दोस्तों सिम फ्री है, ये भी हम आपके लिए बता दें, BSNL की सिम फ्री है, इसमें बस रिचार्ज आपको आप चाहें तो 108 वाला रिचार्ज या 239 वाला रिचार्ज यहां पर आप करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों जो आपने, अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय BSNL।